दोस्तों, अगर आपके पास भी है OneXBet का नया अकाउंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको OneXBet में पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। गाइस, आपके सामने मैं आपको एक नया अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि आपको उसमें पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, पुराने अकाउंट में भी दिखा सकता था, पर मैं पुराने अकाउंट में नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो पुराने अकाउंट में मेरे पहले से ही पैसे पड़े हैं। ठीक है, तो दिखा के उसका फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं आपके सामने ही एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा एंड आपको दिखाऊँगा कि OneXBet में रजिस्टर कैसे करना है और साथ में आपको मेन डिपॉजिट कैसे करना है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखते रहो वीडियो को। यहाँ पे आपको OneXBet का ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ऐप से नहीं कर रहे हो तो वेबसाइट से भी डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे रजिस्टर करने से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर कर ले। फ़ोन नंबर जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है एंड प्रोमो कोड में आपको डालना है TS1X। ठीक है, TS1X सब कैपिटल। ठीक है, अगर आपने और कोई प्रोमो कोड डाला है ना, तो एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर लो एंड ये प्रोमो कोड को डाल लो। ठीक है, इस प्रोमो कोड डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पहले डिपॉजिट पे ना 100% बोनस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने ये एक प्रोमो कोड डाला है तो भाई बहुत सही है। अगर कोई दूसरा डाला है तो एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई नया नंबर से या नया ईमेल आईडी से एंड ये प्रोमो कोड डालो। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली एक अकाउंट में लॉगिन कर दिखाता हूँ आपको डिपॉजिट कैसे करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना एक अकाउंट लॉगिन किया जो पुराना एक अकाउंट था। ठीक है, जिसमें 0 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें मैं आपको लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहो। डिपॉजिट करने के लिए आपको सबसे पहले माई अकाउंट आपको ऊपर दिख रहा होगा, आपको माई अकाउंट पर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉप अप अकाउंट करके। ठीक है, आपको टॉप अप अकाउंट में एक बार क्लिक करना है एंड जैसे आप टॉप अप अकाउंट में क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे जहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो पेटीएम UPI भी है, गूगल पे भी है, फ़ोनपे भी है, UPI भी है, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब आपकी मर्जी आप किससे डिपॉजिट करोगे। ठीक है, सबका प्रोसेस डिपॉजिट का सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, मैं सिंपली क्या करता हूँ पेटीएम UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका जो मिनिमम डिपॉजिट है ना पेटीएम UPI में, वो है गाइस 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये आपका मिनिमम डिपॉजिट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपना UPI ID डालना है और इस बंदे आपको दिख रहा होगा, बंदा का नाम एवर शॉप करके एक बंदा दिख रहा होगा, आपको इस बंदा का जो नाम है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो इस बंदे का नाम हमने कॉपी कर लिया। जैसे ही आप कॉपी कर लेते हो, आपको अपना पेटीएम ऐप ओपन करना है या गूगल पे से कर रहे हो तो गूगल पे वाला में क्लिक करके उसका नाम कॉपी कर लेना। यहाँ पे देखो मेरा पेटीएम ऐप ओपन हो गया। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे में क्लिक कर देता हूँ टू फोन एंड जो मैंने जिसको कॉपी किया था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही पेस्ट कर रहा हूँ। मैं सिंपली पेस्ट करके प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जैसे प्रोसीड किया, यहाँ पे देखो एवरशॉप नाम का आ गया। ठीक है, अब हमें पे करना है गाइस। इसका मिनिमम विड्रॉ कितना था, 350 रुपये था ना, तो हम मिनिमम क्या करते हैं पे में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको डालना है 350 रुपये। आप चाहो तो कितना भी विड्रॉ कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे डिपॉजिट करने में कोड दिख रहा होगा, आपको कोड को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके पेटीएम में आना है एंड यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा होगा। ठीक है, मैसेज में ना इस कोड को पेस्ट कर दो। ठीक है, यह बहुत लोग नहीं करते हैं जिनके पास उनका पैसा नहीं आता है। ठीक है, तो कोड को मैसेज में पेस्ट कर दो एंड आपको पे में क्लिक कर देना है। अपना जो भी बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हम बैक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, पे में क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, अपना UPI पिन डाल देना है हमको यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखो पे हो रहे हैं 350 रुपये, यहाँ से पे हो गए। फिर आपको बैक आना है एंड जो OneXBet की जो वेबसाइट है ना उसमें चले आना है, या ऐप जो ऐप अगर यूज़ कर रहे हो तो ऐप में चले आना है। यहाँ पे देखो मुझे फिर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, कोई बात नहीं। वैसे अगर आपको ऐसा बैक हो जाए ना तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, बैक हो गया क्या होगा, हाँ आपको डरना नहीं है। थोड़ा लोड ले रहा है भाई, रुक जाते हैं। ये ऐप का ये प्रॉब्लम है, खुलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, फिर आपको सिंपली वही 33 डॉट में चले आना है, माय अकाउंट में क्लिक करना है, टॉप अप अकाउंट में क्लिक करना है। आपने क्या सिलेक्ट किया था, पेटीएम UPI सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आपको पेटीएम UPI में चले आना है। सब चीज़ लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, वो जो कोड था वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, मतलब अपना पेटीएम UPI डालना है, तो मैं डाल दे रहा हूँ 9127311।
जिससे आपने पेमेंट किया ना वही UPI डालना, ठीक है। पेटीएम, आपका पेटीएम में क्या नाम है? राजू यादव, ठीक है। और एक बात है, आपको UPI रेफरेंस नंबर डालना है। ये कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अपने जैसे पेटीएम में आप चले गए, यहाँ पर जिसको आपने पेमेंट किया था उसका नीचे आपको एक कोड मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक UPI रेफरेंस नंबर करके करके एक कोड मिलता है, उस UPI रेफरेंस को यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। कैसे कॉपी करना है? यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेना, बैक आना और यहाँ पे आपको माई डिपॉजिट में क्लिक करके उस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। लाइव दिखा रहा हूँ गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरा फ़ोन थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप में फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से आप खुलने में टाइम लगेगा भाई। गाइस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक ये ऐप खुल रहा है ना, ये आप दो काम कर लो, और मैंने अर्निंग प्रूफ के ऊपर, लाइव विड्रॉ के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर ये वीडियो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। चैनल में एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। खुल जा भैया, खुल जा। नेक्स्ट टाइम आप याद रखना, वो आपको UPI रेफरेंस नंबर पहले से कॉपी कर रखना है, ठीक है। ये मैं गलती मैं भूल गया था असली में। फिर टॉप अप अकाउंट, इस बार हो जाएगा। इसमें इसमें वीडियो का कोई भी पार्ट कट नहीं करूँगा, सब चीज़ें लाइव दिखाऊँगा। मुझे पता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं भाई। नाम डाल लिया मैंने, राजू यादव, और UPI यहाँ पे रेफरेंस नंबर में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस आपको क्या करना है, नीचे आना है, कन्फर्म में क्लिक कर देना है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंटिन्यूटेड, ठीक है। और गाइस अगर आपका पैसा ना 3 घंटे के अंदर नहीं आता ना, आप इस ईमेल आईडी पे उनको मेल कर सकते हो कि मैंने 300 रुपये पेमेंट किया था, अभी तक पैसा नहीं आया, ठीक है। अगर आप नहीं आता तो मेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं 3 घंटे से वेट कर लेता, आप टाइम देख सकते हो ऊपर कितना टाइम हुआ, मैं ऊपर दिखा देता हूँ, 11:07 हुआ है। हम वेट कर लेते हैं 3 घंटे, ठीक है, और 3 घंटे जैसे ही पैसा आ जाएगा मैं आपको वीडियो आगे कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस उस टाइम 11:07 हो रहा था, एंड अभी आप टाइम देख सकते हो 11:11 हो रहा है, ठीक है। मतलब जब मैंने देखा था गाइस 11:10 हो रहा था उस टाइम, तब जो पैसे हैं 350 रुपये मेरे वॉलेट में आ चुके हैं, ठीक है, OneXBet के वॉलेट में। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐप खुल रहा है, ठीक है, आज तो जल्दी खुल गया गाइस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर आपके पैसे जो है आपके OneXBet जो वॉलेट है उसमें आ चुके हैं। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि OneXBet में पैसे कैसे डिपॉजिट करें। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई पक्का करूंगा। तो मिलता हूँ ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।